पेन बी टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ़ अ फाइनेंशियल सिस्टम और अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपने सोचा होगा कि ये जो निज़ाम चलता है बैंक्स का डिफरेंट क्लेरिंग हाउस काम करें फिर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ तरह की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं लीजिंग कंपनीज़ हैं वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं तो उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के देर आर टू बेसिक फाउंडेशंस या टू बेसिक एस्पेक्ट्स जो जिनका काम है रेगुलेट करना फाइनेंशियल सिस्टम को ताकि वो स्मूथली रन कर सके और ना सिर्फ स्मूथली रन कर सके बल्कि उनके अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन हो एक प्रॉपर एक फॉर्मेट हो जिसके ऊपर वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हों ताकि उनको रेगुलेट करना उनको उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करना उनके लिए उनकी फलाह के लिए वेलफेयर के लिए काम करना और हुकूमत को ऑब्जर्व करते हैं कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं सो देर इज़ दिस रेगुलेटरी लॉ जो कि इस्टेब्लिश करती है हकूमत अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू फॉर एग्जाम्पल वेर इट कम्स टू मोनिटरिंग और ऑब्जर्विंग और रनिंग द बैंक्स इज़ कंसर्न तो उसको सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री ऑब्जर्व करता है लॉ के अकॉर्डिंगली सो देर इज़ दिस लॉ जो कि And, uh, कोशिश करता है कि कोई किसी किस्म की फ्रॉड ना हो और दूसरा जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं जो जो कुछ भी आपके लीगल बाइंडिंग्स हैं उनको उनके ऊपर प्रॉपरली अच्छी तरह से अमल दरामद हो तो अभी जितने भी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी जो है वो ऑब्ज़र्व कर रही होती है एक तो लॉ के थ्रू दूसरा एक अहम जो उसका फाउंडेशन स्टोन है दैट इज़ द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी स्टैंडर्डाइजेशन को मेनटेन करने के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं उससे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि ये एक ख़ास तरीका है जिसके थ्रू आपने अपने बुक कीपिंग करनी है आपने अपने हिसाब किताब को कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को रिपोर्ट करना है तो अगर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम फर्म्स उसी तरीके को फॉलो करके अपना निज़ाम को चलाएंगी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चलाएंगी तो उससे लोगों को समझने में प्लान करने में एग्जीक्यूट करने में आसानी हो जाती है जिन बॉडीज़ ने रेगुलेट करना है आपको उनको देख के उसके ऊपर फैसला करना या उसको इवेलुएट करना कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग ये सब चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती है और इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि नॉट ओनली स्टैंडर्डाइजेशन इज़ एन इज़ एन एडवांटेज रादर इट हेल्प्स यू इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑल्सो बिकॉज अगर आप हर ऑर्गेनाइजेशन या हर फर्म अपने तरीके से बुक्स uh, को रिपोर्ट करेगी या अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने का या मैंटेन करने का uh, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का अपना एक तरीका वज़ा कर लेगी तो नेचुरली इट वुड एड टू द कॉस्ट तो एक एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन को या प्रोसीजर को फॉलो करने से आप अपने कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को या रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है सो दे देर आर दीज टू प्रॉन्ग स्ट्रेटिजी द लीगल एंड द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और जब कुछ निज़ाम को अच्छी तरह से फाइनेंशल सिस्टम के निज़ाम को अच्छी तरह से चलाने के लिए इट इज़ नॉट जस्ट देंट्रल बैंक और अदर रेगूलेटरी बॉडीज़ इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गनइजेशन को भी हकूमत कुछ ताकत देती है अपने लिगैलिटीज़ को कंसिडर करते हुए कि वो अपने हद तक कोई जो फाइनेंशल मैटर्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनको uh, उनका कारोबार चला सकते हैं लेकिन उनको कुछ uh, कुछ उनके ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन होते हैं लॉ के थ्रू कि वो अपने रूल्स uh, को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को परफॉर्म कर सकें सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग देर आर सेवरल रूल्स फॉर ट्रेडिंग और उसके लिए एक्सचेंजेस बनाए जाते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेलीफोन एक्सचेंज ंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान वी हैव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करती है किस तरह से कंपनीज उनका क्या वैल्यू होगा उनके उनकी जो फाइनेंशियल uh, पोजिशन कैसा होगा और वो आके लिस्ट list, वो लिस्टड कंपनीज बन जाते हैं और वो, वो आके अपने स्टॉक्स को या अपने शेयर्स को सेल करेंगे तो देर इज़ दिस प्लेटफॉर्म जहाँ लिगालटीज़ ऑब्जर्व करते हैं कंपनीज अपने आप को रजिस्टर कराती हैं लिस्ट कराती हैं और उसका एक प्रोसीजर है उस उसके मुताबिक फिर वो अपने शेयर्स को सेल और बाय कर सकती हैं और देर इज़ अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क जिसको ऑब्जर्व किया जाता है ये सारी ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करने के वास्ते सो अगेन द पर्पज़ इज़ टू गो फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू मेनटेन स्टैंडर्डाइजेशन एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्टिंग द शेयर्स और द स्टॉक्स इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एन अदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस रेगुलेट्री सिस्टम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम्स सो अकाउंटिंग सिस्टम्स में अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो एनशेंट बेबीलॉन में तकरीबन दो हज़ार बिफोर क्राइस्ट पर आपको इस तरह के कुछ एविडेंस uh, मिलती है कि बुक कीपिंग होती थी और अकाउंटिंग uh, स्टैंड कुछ हिसाब uh, किताब के कुछ डेबिट uh, क्रेडिट वाले कोई लेजर्स वगैरह की कोई फॉर्म आपको देखने को मिलती है लेकिन अभी वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें डेवलप हुए बहुत एडवांस लेवल uh, के ऊपर डबल एंट्री बुक कीपिंग की जाती है इन मेनी ऑर्गेनाइज मोस्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन इन पाकिस्तान सो अगैन फॉर दैट वी हैव दिस प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर्स हैं जिनको ऑब्ज़र्व किया जाता है कंपनीज के ऊपर बाइंडिंग है कि वो इन प्रोसीजर्स को और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही अपने फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसको मेंटेन करेंगे या बुक कीपिंग को मेंटेन करेंगे सो so, उससे क्या होता है कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं या आपने किसी बैंक के साथ में डील करना है तो उनको आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी आपको भी आसानी हो जाती है कि आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे फाइनेंशियल पोजिशन क्या है तो उसमें एक ख़ास एक स्पेसिफिक तरीका फॉलो करने से Um, it becomes easy for everybody participating in that uh, decision making process to understand the things in a better way.